यार आज मैंने जो है काफी लगभग 2 महीने हो चुके हैं मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। आज मैं ब्लॉग जो है बना रहा हूँ। और गाइस मैं आ चुका हूँ हमारे खेत के अंदर, और जो खेत के अंदर पीछे जो अरंडी की फसल आप देख रहे हो, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हमने अरंडी की फसल बोई थी, बड़ी की थी और सारी काम जो हमने की थी। और अब चलते हैं अरंडी की फसल की कटिंग करने के लिए, क्योंकि इसे एक बार नहीं बल्कि 3 से 4 बार तक खुटा जाता है। मतलब इसकी जो 3-4 बार कटिंग करने के बाद जब इसकी जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है 3-4 बार कटिंग करने के बाद। तो अब जल्दी जल्दी से चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। हमने जो है एक बार इसकी एक हेक्टर की फसल की कटिंग करके हमने जो है इसकी थ्रेशिंग भी की थी, और थ्रेशिंग करते जो है हमने जो है 7.5 क्विंटल जो हमने ये अरंडी प्राप्त की थी एक बार कटिंग करने के बाद। ये है काटने का हथियार, हम इसे बोलते हैं कतिया। इसमें जो स्प्रिंग लगे, जब हम इसे दबाएंगे तो स्प्रिंग की वजह से इसको पीछे आ जाएगा। और अब जल्दी चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ हमने कितनी जो है फसल काट के एक्टिव भी की है, और काफी जो है खेत के अंदर अब कटिंग भी करनी है, काफी खेत का कटिंग करी हुई रखी हुई उसे बाहर भी लाना। जल्दी चलते अपने कार्य करते हैं हमेशा वाला। ये है गाइस हमने जो है काट के बाहर रखी है। उससे पहले हमने इसकी डबल जो है हमने आप यहाँ पे रखी हुई थी उसको हमने थ्रेशिंग करा के मतलब लाटा लगा के हमने जो है धान उस फसल में से निकाल के ये रहा उसका अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट नहीं, हम इसे पशुओं को भी खिला सकते हैं। और ये रही अरंडी काफी जो है हमने इसे साफ करने के बाद हमें ये ऐसी इस प्रकार की अरंडी दी। हमने जो 7 क्विंटल निकली थी वो इस प्रकार की अरंडी थी, वो थी 7 क्विंटल। और अब जल्दी से अपना वो फिर से कार्य करते हैं। ये हमारी अरंडी, आपने पिछले ब्लॉग देखा होगा, इस अरंडी को हमने बोने का जो समय है वो हुआ है 5 महीने। 5 महीने हमने इसे जो है पानी दिया, फुल करने के बाद जो है ये हमारे आखिरी रिजल्ट आप देख सकते हो। इसे 4-5 बार कूटना पड़ता है या 3-4 बार कूटना पड़ता है, और जल्दी से कूटते हैं। हमने हमारी जो है लाइफ में, मैंने मेरी लाइफ में अब जो पहली बार ऐसी अरंडी की फसल हमने हमारे घर पे, वो इससे पहले पापा जी ने बोई थी वो मैंने देखी नहीं है, क्योंकि मैं जब पैदा ही नहीं हुआ था। मतलब मैंने मेरी जिंदगी की पहली फसल मैंने यहाँ पे देखी हमारे जो है खेत में बोई हुई, वो भी बूंद बूंद सिंचाई की। पहले बूंद बूंद सिंचाई सिस्टम नहीं था, अब आने लगा बूंद बूंद सिस्टम, तो उसी कारण से बूंद बूंद सिंचाई के कारण जो हमने जो है फसल बोई है। और जल्दी चलते अपने खेत का अपना कार्य। और गाइस वीडियो को अंत तक जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिन्होंने कर रखा है, उसे दिल से सैल्यूट, और जो नहीं कर रहा है उन्हें भी दिल से सैल्यूट कर दे। अब जल्दी से चलते हैं अपना कार्य करते हैं। देखिएगा ये सबसे बढ़िया फूल है, ये है रुईड़ा, जिस पे देखो ये पीले पीले जो है फूल आ चुके, इतना मस्त दिखता ना। अब जो है सर्दियों का मौसम है तो जनवरी के अंदर इसके अंदर जो है काफ़ी अच्छे खासे फूल आ जाएंगे, बहुत खतरनाक नज़ारा दिख रहा है। आपको थोड़ा कैमरे की वजह से कम देखा जाए, जब आप हकीकत में देखोगे तो आपको बहुत सुंदर लगा जाएगा। अब तक उससे कम आया फूल, अब तक जो है आना शुरू है, जब भी फूल बढ़ जाएगा ना तब मैं आपको एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, या हमेशा बनाऊंगा मैं वीडियो। काफी जो हमने यहाँ पर भी काट कर रखी है और काफी आगे भी रखे हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने छोटा भाई समझ के मुझे भी डालते हैं गाइज। तो गाइज अभी मैं घर पे आया था और खाना वाना खा लिया है और रेडी हो चुका हूँ, मैं कहीं काम जा रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और आपको इंटरेस्टिंग ऐसे ही किसान के बारे में, यार किसान की लाइफ के बारे में आपको मैं सारे जो हमारे काम होते हैं मैं दिखाऊंगा आपको। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान।